अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द अमीना बतूल फ्रॉम अलहमद कॉलेज ऑफ नर्सिंग भक्कर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द असेसमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट विच इंक्लूड्स थ्री कंपोनेंट्स विच आर द स्किन, हेयर एंड नीड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है असेसमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट, इसमें हम तीन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास स्किन आ जाएगी, असेसमेंट ऑफ स्किन, और नेल की असेसमेंट और हेयर की असेसमेंट आ जाती है। इंटेग्यूमेंट के तीन बेसिक कंपोनेंट्स की बात की है कि वही स्किन हो गया, हेयर और नेल होता है। और इंटेग्यूमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट के फंक्शंस क्या हैं? प्रोटेक्शन, कि जैसे हमारी स्किन है, हमारे नेल्स वगैरह, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो भी हार्म्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। सेकंड नंबर पे आ जाता है परसेप्शन, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बाहर का जो एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलाई आता है उसको रिसीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर रेगुलेशन, कि हमारी स्किन जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करती है थ्रू स्वेटिंग वगैरह के थ्रू, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है। अब्जॉर्प्शन आ जाती है, जैसे डिफरेंट जो है वो लाइक टॉपिकल जो क्रीम्स वगैरह होती हैं जब हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो स्किन से अब्जॉर्ब होकर जो है वो अपना जो उसका टारगेट एरिया होता है वहाँ तक जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सक्रीशन, डिफरेंट जो है वो सॉल्ट्स वगैरह आ जाते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी स्किन के थ्रू, जैसे स्वेटिंग में एक्सक्रीशन होती है, सीबम वगैरह में। और लास्ट पे आ जाता है विटामिन डी प्रोडक्शन, कि विटामिन डी की जो प्रोडक्शन है वो भी जो है वो हेल्प आउट हो रही होती है, हमारी इंटेग्यूमेंट में हेल्प करती है। स्किन की एनाटॉमी, कि स्किन जो है वो क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो हम थोड़ा सा बेसिकली देख लेते हैं कि जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर थ्री लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। एपिडर्मिस जो होती है ना वो सबसे जो है वो थिन लेयर होती है, ए वास्कुलर कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम होती है, थिन होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, ए वास्कुलर होती है, मतलब जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती और कैरेटिनाइज्ड जो है वो एपिथीलियम से मिलकर बनी होती है। डर्मिस जो है वो इनर लेयर होती है स्किन की, और ये जो है वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और लास्ट पर जो हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाता है, ये हमारा फैट कंटेनिंग टिश्यू होता है, फैटी लेयर होती है स्किन की। यहाँ पर देखिए डायग्राम में जैसे आप लोगों को शो किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स जो है वो स्किन के डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं एपिडर्मल अपेंडिजेस, कि स्किन के अंदर कौन कौन सी अपेंडिजेस होती हैं, तो इसमें आ जाते हैं हमारे सीबेशियस ग्लैंड्स जो कि सीबम और ऑयल सिक्रीट कर रहे होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और लास्ट पे आ जाता है हेयर जो कि थ्रेड्स होते हैं कैरेटिन से मिलके बने होते हैं, कैरेटिन के थ्रेड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्किन रिसेप्टर्स, जैसे हमने बात की कि हमारी जो स्किन है वो परसेप्शन में हेल्प करती है, तो स्किन के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि बाहर के जो स्टिमुलाई होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस होता है उसको सेंस कर रहे होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स इन द डर्मिस आर फॉर क्यूटेनियस सेंसेशंस दैट इंक्लूड टच, प्रेशर, पेन, हीट एंड कोल्ड। तो हमारी जो है जो डर्मिस है उसके अंदर रिसेप्टर्स किस किस चीज़ के रिसेप्टर्स होते हैं, टच के रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर के लिए होते हैं, पेन के लिए होते हैं, हीट और कोल्ड, यानी कि इन चार पांच जो स्टिमुलाई हैं इनमें से जो भी आता है हमारी स्किन के ऊपर जो है, तो ये नर्व एंडिंग्स जो होते हैं रिसेप्टर्स इनको सेंस करते हैं और हम लोगों को एक जो है कह लें कि अवेयरनेस होती है कि हमारी स्किन के ऊपर कोई गर्म चीज़ लगी है, कोई ठंडी चीज़ लगी है, किसी ने हमें टच किया है, कोई प्रेशर अप्लाई हुआ है, पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम सेंस कर लेते हैं। Purpose of receptors is to provide sensory information to the CNS. अब इन receptors का काम क्या है कि जो भी information आ रही है sensory information हमारे environment से उसको जो है वो pass out करती है, लेके जाते हैं हमारे central nervous system तक, और वो उसको जो है वो फिर कह लें कि उसको analyze करता है जो information आ रही होती है, और उसके according जो है अगर कोई action लेने की ज़रूरत होती है तो वो उस पर action लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं डर्मेटोलॉजिक असेसमेंट हिस्ट्री, यानी कि जब हम स्किन की असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट हिस्ट्री में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा चीफ़ कंप्लेंट, कि पेशेंट की जो है वो चीफ़ कंप्लेंट क्या है। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम जो है उसकी डिफाइन कर लेते हैं उसको, कि उसका ऑनसेट कब से हुआ, उसकी लोकेशन क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना हो चुका है। अकम्पनिंग मैनिफेस्टेशंस, यानी कि चीफ कंप्लेंट जो है जो असल मसला है उसके साथ और कौन कौन से मसले या कोई और साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हों। एवोल्यूशन ऑफ लीजन्स एंड इरप्शन, कि कोई अगर स्किन पर लीजन्स वगैरह हैं या स्किन जो है वो इरप्ट हो चुकी है तो उस वो कब इवॉल्व हुई है, उसके टाइमिंग, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स,
अब जो जो उसका मेजर कंसर्न है, जो चीफ कंप्लेंट है, उसको एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जो असल प्रॉब्लम है वो कम हो या ज़्यादा हो जाए। तो जो चीज़ उसको बढ़ा रही होती है वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिससे वो चीज़ कम होती है, उसको जो है अफाका हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं रिलीविंग फैक्टर्स। मेडिकल इंटरवेंशन के कोई मेडिकल इंटरवेंशन पहले ली हों, और सेल्फ ट्रीटमेंट के खुद से जो है वो घर में कोई टोटके वगैरह जैसे कर लेते हैं, या जो आम मेडिसिन घर में यूज़ कर लेते हैं उससे रिलेटेड पूछना है। और लास्ट पे आ जाती है कंप्लायंस, कि जो भी मेडिसिन वगैरह ली है, जो ट्रीटमेंट ली है, उसकी कंप्लायंस कितनी है, कितना उसका अच्छा रिजल्ट आया है, कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्राइबिंग स्किन फाइंडिंग्स, लाइक स्किन के ऊपर जो लीजन्स वगैरह बन जाते हैं, जो उभार बन जाते हैं, तो उनको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लीजन्स जो है हमारे पास वो दो तरह की आ जाती हैं, बल्कि इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो जो है वो दो मेजर टाइप्स आ जाती है, प्राइमरी लीजन्स होती हैं और सेकेंडरी लीजन्स होती हैं। अब जो प्राइमरी लीजन्स हैं ना, वो या तो फ्लैट हो सकती हैं या फिर वो रेज्ड हो सकती हैं, यानी कि वो लीजन जो है वो या तो बिल्कुल स्किन के ऊपर फ्लैट है कि अगर आप उसको टच करते हो तो आपको कोई उभार फील नहीं होता, या फिर वो रेज्ड होती हैं, उभरी हुई होती है, स्किन के लेवल से थोड़ी सी ऊपर होती हैं। जो फ्लैट होती हैं ना, यू कैन नॉट पालपेट द लीजन्स विद योर आइज़ क्लोज्ड, ठीक है, कि फ्लैट होती हैं कि अगर आपने आंखें बंद करके स्किन को ऊपर टच किया, पालपेट किया, आपको बाकी नॉर्मल स्किन और लीजन में कोई फ़र्क नहीं पता चलता बंद आंखों से, क्योंकि वो सिर्फ़ एक कह लो निशान होता है जो आपको सिर्फ देख के नज़र आता है, टच करके फील करके नज़र नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट आती है मैक्यूल, मैक्यूल क्या होती है, लीजन जो है वो फ्लैट लीजन होती है, लेकिन वो जो है वो उसका साइज़ जो है वो स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर होता है। हमने बोला सबसे पहले कि प्राइमरी लीजन्स जो बेसिक लीजन्स होती हैं, और उसमें वो या तो फ्लैट हो सकती है या फिर रेज्ड हो सकती है। जो फ्लैट लीजन होती है उसको हम क्या करते हैं कि जब हम अपनी आंखें बंद करके पालपेट करते हैं तो हम उसको फील नहीं कर पाते, उसको सिर्फ हम देख के ही पता चलता है, और उसमें आ जाती है पहली टाइप जो है वो मैक्यूल है। मैक्यूल क्या होता है, हमारी फ्लैट लीजन होती है जो साइज़ उसका 1 सेंटीमीटर से स्मॉल होता है, और पैच जो है वो फ्लैट लीजन होती है जिसका साइज़ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से जो रेज्ड लीजन्स होती हैं उसको क्या होता है कि हम अपनी आंखें बंद करके पालपेट करेंगे तो स्किन के ऊपर हमें एक उभार सा महसूस होगा, उसको हम बोलते हैं जो है वो रेज्ड है लीजन। अब ये जो है पैप्यूल हो सकती है कि रेज्ड लीजन होती है जिसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम होता है और वो फ्लूइड फिल्ड नहीं होती, कि ऐसी लीजन जो रेज्ड है, जो उभरी हुई है, और दूसरा उसका जो साइज़ है 1 सेंटीमीटर से कम है और वो फ्लूइड फिल्ड नहीं है, उसके अंदर कोई पानी भरा हुआ नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैप्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है प्लेक, प्लेक क्या होती है कि लीजन रेज्ड होती है, उसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है वेसिकल, वेसिकल क्या होता है कि रेज्ड लीजन होती है, साइज़ उसका स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर होता है लेकिन उसके अंदर फ्लूइड होता है। और लास्ट पे आ जाता है बुला, ये रेज्ड लीजन होती है जिसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से ग्रेटर होता है और इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये डिफरेंस इनका क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है वो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, कहीं पर मैक्यूल लिखा होता है, कहीं पर प्यूल होता है, कहीं पर जो है प्लेक वेसिकल, तो हमें इनका डिफरेंस नहीं पता होता। तो यहाँ से हमें इनके सारे जो डिफरेंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि फ्लैट लीजन्स में दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, मैक्यूल और पैच। मैक्यूल का साइज़ जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है और जो पैच है उसका साइज़ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से रेज्ड लीजन्स जो है वो उसकी 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें पैप्यूल आ जाता है, उसका साइज़ जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम होता है और फ्लूइड नहीं होता उसके अंदर। जो प्लेक होती है उसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर फ्लूइड नहीं होता। वेसिकल का साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम और फ्लूइड फील्ड होता है। और जो बुला होता है उसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा और उसके अंदर फ्लूइड भी फील्ड होता है। अब नंबर की बात करें तो लीजन्स जो है वो सॉलिटरी या फिर मल्टीपल हो सकते हैं, कि एक जगह पर सिर्फ एक सिंगल लीजन हो सकते हैं या फिर वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इफ़ मल्टीपल रिकॉर्ड हाउ मेनी, अगर एक जगह पर एक से ज़्यादा लीजन्स हैं तो आपने उनके नंबर को रिकॉर्ड करना है कि फ़लाँ उसकी बॉडी एरिया पर जो है इतनी जो है लीजन्स मौजूद थी। ऑल्सो कंसीडर एस्टिमेटिंग द टोटल नंबर ऑफ द टाइप ऑफ लीजन यू आर डिस्क्राइबिंग। और जो मल्टीपल लीजन्स हैं उसमें आपने देखना है कि वो सारे लीजन्स जो है वो एक ही टाइप के हैं या मल्टीपल टाइप के हैं। साइज़, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है ना जब हम लीजन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो उसका साइज़ आ जाता है, कि जो लीजन है उसका एग्जैक्ट साइज़ आपने बताना होता है, मेजर विद अ रूलर इन मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स, कि उस लीजन को आप एक रूलर के ज़रिए या तो मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है शेप, कि लीजन का शेप कैसा है। सम गुड वर्ड्स टू लर्न आर, शेप को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेहतरीन जो अल्फाज हैं वो आ सकता है सर्कुलर,
कि लीजन जो है वो बिल्कुल राउंडेड है, सर्कुलर है, या वो ओवल हो सकती है। एनुलर जो है वो रिंग लाइक होती है कि सेंटर जो है वो उसका क्लियर होता है, या फिर वो नमुलर हो सकती है, कॉइन लाइक हो सकती है कि सेंट्रल क्लियरिंग नहीं होती। और लास्ट पे आ जाता है पॉलीगोनल, पॉलीगोनल होता है जिसके मल्टीपल जो है वो एजेस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कलर, लीजन का कलर कैसा है, तो डिफरेंट शेड्स होते हैं टैन और ब्राउन के, मतलब हमारी स्किन से मिलते जुलते ही कलर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हम स्टार्ट कर सकते हैं टैन, उसके बाद लाइट ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन हो गया इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल। मतलब इनिशियली जो है वो आपको इतना ज़्यादा शेड्स को डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा होता, तो आप ये जो है दो चार जो वर्ड्स हैं अच्छे वो यूज़ कर सकते हैं कि टैन कलर की लीजन है या लाइट ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की लीजन है। नेक्स्ट आ जाता है उस लीजन का टेक्सचर, जब आप उसको पालपेट करते हो तो आप देखते हो कि वो स्मूथ है, फ्लैशी है, वाटरी है, स्केली है, मतलब खुरदरी है। उसको टच करके उसका जो है टेक्सचर देखा कि उसकी जो है मतलब हाथ लगाने से वो उसका जो सतह है वो कैसी महसूस होती है, खुरदरी है या फिर वो गीली वाटरी फ्लूइड हो रही है, फील हो रही है, स्मूथ है बिल्कुल या रफ़ है, ये चीज़ आ जाती है। और लास्ट पे है लोकेशन, कि जो है जब भी लीजन की लोकेशन जो है वो जितना ज़्यादा प्रीसाइज हो सके उतना आपने बताना है कि जो है फॉर एग्जांपल के पेशेंट का जो है वो राइट आर्म और आर्म पे भी अपर आर्म पर जो है वो उसके लेटरल साइड पे जो है बिल्कुल शोल्डर से जो है इतने सेंटीमीटर नीचे एक लीजन है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप जब भी लीजन को डिस्क्राइब करते हो तो उसकी लोकेशन किस तरह से बता सकते हैं। तो किसी भी स्किन की क्योंकि असेसमेंट है तो ज़्यादातर लीजन से ही हमारा वास्ता पड़ता है, तो उसको किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं कि लीजन्स या तो प्राइमरी हो सकती हैं या सेकेंडरी हो सकती हैं, उसमें भी फिर वो फ्लैट हो सकती हैं या रेज्ड हो सकती हैं, उनकी फर्दर टाइप्स हैं। इसके बाद उसकी लीजन्स का नंबर आपने बताना है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर, टेक्स्चर और लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी होती हैं। जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है प्रिपरेशन, के हमारा पेशेंट है जिसकी हमने स्किन की असेसमेंट करनी है तो हम उसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे असेसमेंट के लिए। प्रायर टू परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर से पहले आप क्या क्या काम कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड वेरीफाई द क्लाइंट्स आइडेंटिटी यूजिंग एजेंसी प्रोटोकॉल। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि मेरा नाम ये है और मैं आपकी बेड साइड नर्स हूँ। उसके बाद आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, और डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और नॉर्मली जो है वो हम एक सिंगल जो है वो आइडेंटिटी पर रिलाई नहीं करते, हम पेशेंट से पूछते हैं, उसका नाम उसके चार्ट पे देखते हैं, उसका जो आइडेंटिटी बैंड होता है वो चेक करते हैं। तो डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स सेट किए होते हैं पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, why it is necessary and how he or she can participate। अब पेशेंट को बताना है कि आपने क्या करना है, ये क्यों कर रहे हैं। अगर आप चेकअप कर रहे हैं, स्किन की असेसमेंट कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मैं आपकी जिल्द का मुआयना करूँगी और ये ज़रूरी इसलिए है ताकि हमें जो है वो आपकी जिल्द के बारे में मालूमात हासिल हो सके कि आपको जिल्द से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जो है वो कोई मसला तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, और इस जो है प्रोसीजर में आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। डिस्कस हाउ द रिजल्ट्स विल बी यूज्ड इन प्लानिंग फर्दर केयर और ट्रीटमेंट्स। उसके बाद पेशेंट को बताना है कि ये जो आपका चेकअप हो रहा है, मुआयना हो रहा है, इसका जो भी नतीजा, जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें किस तरह से हेल्प करेगा आपके ट्रीटमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट की जो भी क्वेरीज होती हैं वो पहले क्लियर करनी ज़रूरी होती हैं। इससे क्या होता है, पेशेंट की एंग्जाइटी कम हो जाती है, पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, और दूसरा जो है एक थेरापूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड ऑब्जर्व अदर अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोसीजर्स। हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है, ग्लव्स पहनने हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के जो भी मेजर्स अप्लाई हो रहे हैं उस प्रोसीजर पर वो आपने अप्लाई करने हैं। एंड लास्ट पे प्रोवाइड फॉर क्लाइंट प्राइवेसी। और लास्ट पे क्या करना है, आपने प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि खुले में 10 जो है वो लोगों के सामने आपने पेशेंट को एक्सपोज कर दिया और उसको जो है वो वहीं पर असेसमेंट स्टार्ट कर दिया। इक्विपमेंट कौन कौन सा आपको चाहिए होगा, मिलीमीटर रूलर, ग्लव्स चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, पेन लाइट वगैरह, ये आपको बेसिकली ये सारे इक्विपमेंट्स हमने प्रीवियस जो लेक्चर से हमारे उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू ले लें आप लोग, आइडिया हो जाएगा कि स्किन की असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट स्किन की। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट वन है, हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट स्किन कलर। सबसे पहले जब भी स्किन की असेसमेंट करनी है आपने देखना है कि उसकी स्किन का कलर कैसा है। बेस्ट असेस्ड अंडर नेचुरल लाइट,
और स्किन का जो बेस्ट कलर है वो हमें नेचुरल लाइट में पता चलता है, आर्टिफिशियल लाइट को यूज़ करने के बजाय अगर सनलाइट में आप पेशेंट को जो है वो असेस कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है कि स्किन का जो कलर होता है वो वेरी कर रहा होता है डिफरेंट लोगों में, लाइट टू डीप ब्राउन, लाइट ब्राउन से डीप ब्राउन कलर हो सकता है, रेडी पिंक से लाइट पिंक हो सकता है, येलो ओवरटोन्स भी हो सकती हैं, ऑलिव कलर, मतलब डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं डिफरेंट उनके जो है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उनके जो है रीजन के अकॉर्डिंग और इसके अलावा रेस के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट स्किन टोन्स डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं स्किन के। डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल एबनॉर्मल स्किन कलर्स कौन सकते हैं, पेलर, बिल्कुल जो है वो पेशेंट का रंग पेल हो गया है या साइनोस्ड ब्लू हो चुका है या जॉन्डिस में जैसे येलो हो जाता है या इरेडिमा रेडनेस वगैरह, ये जो है वो एबनॉर्मल कलर्स होते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्किन कलर, पहले आपने देखा कि स्किन का कलर है कैसा, दूसरा आपने देखना है यूनिफॉर्मिटी कि पूरी जो स्किन है पूरी बॉडी पर स्किन का कलर सेम है या डिफरेंट जो है एरियाज में स्किन का कलर डिफरेंट है। तो जनरली यूनिफॉर्म एक्सेप्ट इन एरियाज एक्सपोज टू द सन, तो नॉर्मली क्या होता है कि स्किन का जो कलर है वो पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्म कलर होता है सिवाय उन एरियाज के जो सन को एक्सपोज होते हैं, यानी कि जो धूप वगैरह पे ज़्यादा एक्सपोज बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका कलर डार्क हो जाता है। और उसके बाद नॉर्मल एबनॉर्मल क्या फाइंडिंग्स होंगी स्किन की, एरियाज ऑफ ईदर हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन, कि हमारी बॉडी पर पेशेंट के बॉडी पर कुछ एरियाज है वहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन होगी कि स्किन का कलर जो है वो डार्कर है बाकी स्किन की निस्बत, या कुछ एरियाज पे क्या होगा कि स्किन का कलर जो है वो नॉर्मल कलर से लाइट है, तो हाइपर या हाइपो पिगमेंटेशन हो सकती है, ये एबनॉर्मल होता है। नंबर थ्री पर आपने क्या करना है, एडिमा को असेस करना है कि स्किन के ऊपर कोई एडिमा वगैरह तो नहीं है प्रेजेंट। एडिमा को आप किस तरह से असेस कर सकते हैं, असेस एडिमा इफ़ प्रेजेंट, अगर एडिमा है आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो एडिमेटस है, स्वेलिंग वगैरह आपको फील हो रही है, तो आपने उसकी लोकेशन देखनी है, उसका कलर देखना है, उसका टेम्परेचर, उसका शेप, उसकी डिग्री टू विच द स्किन रिमेन्स इंडेंटेड और पिटेड व्हेन प्रेस्ड बाय अ फिंगर, यानी कि जो आपका एरिया है ना जो एडिमेटेड एरिया है जहाँ पर एडिमा है उसको आप स्किन के ज़रिए जो है वो पिट करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं अपने फिंगर के ज़रिए और आप देखते हैं कि वो स्किन जो है वो कितनी देर तक वहाँ पे एक डिप्रेशन एक गढ़ा सा बना रहता है। मतलब नॉर्मली जब हम आईवी लाइन पेशेंट की करने जाते हैं एडिमा वाले पेशेंट्स की, तो हम उसको जो है वो साथ में उसका एडिमा का लेवल भी चेक कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके हम हाथ हटा लेते हैं, तो क्या होता है कि स्किन जो है वो नॉर्मली फ़ौरन से वो नॉर्मल नहीं होती बल्कि एक गढ़ा सा स्किन में बन जाता है और उसको जो है वो नॉर्मल होने में थोड़ा सा वो टाइम ज़्यादा लगता है नॉर्मल की निस्बत, तो इससे जो है वो हम एडिमा का जो है डिग्री उसका लेवल देख लेते हैं। मेजरिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द एक्सट्रेमिटी विद अ मिलीमीटर टेप मे बी यूजफुल फॉर फ्यूचर कंपैरिजन, अब जो भी बॉडी का एरिया है फॉर एग्जांपल किसी लिम्प पर एडिमा है, बाजू पर एडिमा है, तो आप उस बाजू का जो है वो सर्कमफेरेंस मेजर कर लेते हैं मिलीमीटर टेप के साथ और उसको फिर आपको हेल्प हो जाती है फ्यूचर के लिए कि दोबारा से मतलब एक दिन दो दिन के बाद आप देखते हैं कि अच्छा इसका एडिमा जो है वो कम हुआ है या नहीं हुआ या ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको दोबारा से सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं और आप देखते हैं कि ये जो है वो प्रीवियस जो हमारी रीडिंग थी उससे कम है या ज़्यादा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एडिमा नहीं होता, एडिमा जो है वो नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, और अगर एडिमा प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है। सी द स्केल फॉर डिस्क्राइबिंग एडिमा, अब एडिमा को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये हमारे पास स्केल है कि अगर जो है जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो जो है वो जो डिप्रेशन बनता है वो 2 मिलीमीटर तक है तो हम उसको जो है लेवल देते हैं 1+ का, अगर वो 4 मिलीमीटर तक होता है तो हम उसको 2+ का लेवल देते हैं, अगर 6 मिलीमीटर है तो 3+ और अगर 8 मिलीमीटर है तो 4+, मतलब 2 के गैप से आ रहे हैं 2 मिलीमीटर 4, 6 एंड 8 और उधर से 1, 2 एंड 3, 4, ये आ जाता है असेसमेंट ऑफ एडिमा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 पे इंस्पेक्ट पालपेट एंड डिस्क्राइब स्किन लीजन्स, सबसे पहले हमारी क्या क्या चीज़ें अब तक हमने असेस की, स्किन कलर देखा, उसके बाद हमने देखा यूनिफॉर्मिटी कि स्किन कलर जैसा भी है चाहे डार्क है चाहे लाइट है वो यूनिफॉर्म है पूरी बॉडी पे कलर जो है वो सेम है या कुछ एरियाज में डार्क है कुछ में लाइट है। नंबर 3 पर हमने एडिमा को असेस किया और नंबर 4 पर जो है वो हमने देखना है स्किन के ऊपर कोई लीजन्स वगैरह तो नहीं है प्रेजेंट, इंस्पेक्ट करना है और पालपेट करना है हमने लीजन्स को, पल्पेट लीजन्स टू डिटरमिन शेप एंड टेक्सचर, अब कोई अगर लीजन आपको नज़र आ रही है तो आप उसको पालपेट करते हैं, उससे आपको क्या होता है उसका शेप और उसका टेक्सचर पता चल जाता है। डिस्क्राइब लीजन्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन कलर कन्फिग्रेशन साइज शेप टाइप और स्ट्रक्चर,
इनके वो जितने भी लीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे उनके अकॉर्डिंग आप जो है लीजन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि लीजन्स नहीं होते, लेकिन कुछ फ्रैकल्स वगैरह जो है वो नॉर्मल होते हैं, या जो बर्थ मार्क्स होते हैं पैदाइशी तौर पे, पैदाइश से ही जो निशान मौजूद होते हैं स्किन पर वो नॉर्मल होते हैं। फ्रैकल्स, सम बर्थ मार्क्स दैट हैव नॉट चेंज्ड सिंस चाइल्डहुड एंड सम लॉन्ग स्टैंडिंग वास्कुलर बर्थ मार्क्स। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग जो बहुत ड्यूरेशन से मौजूद हैं मार्क्स, या जो बर्थ मार्क्स हैं जो बहुत बचपन से ही उनमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये जो है वो नॉर्मल फाइंडिंग्स में आ जाती हैं हमारे पास। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वेरियस इंटरप्शंस इन स्किन इंटेग्रिटी, इरेगुलर मल्टी कलर्ड और रेज्ड निवाई, सम पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स सच एज मिलेनोसिस्टिक निवाई, ये डिफरेंट निवाई की टाइप्स आ जाती हैं जो इरेगुलर हो सकते हैं, मल्टी सिस्टिक हो सकते हैं, तो ये क्योंकि लीड कर सकते हैं कैंसर की तरफ, स्किन कैंसर की तरफ, इसलिए ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लीजन्स को हम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इवन दीज डेविएशंस फ्राम द नॉर्मल मे नॉट बी डेंजरस और रिक्वायर ट्रीटमेंट। अब इनमें से कुछ जो है वो नॉर्मल जो है डेविएटेड तो हैं ये, अब मतलब नॉर्मल से हट के है ये चीज़, लेकिन इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन समटाइम्स इट कैन लीड टू लाइक इट कैन बी हार्मफुल, इसलिए हम लोगों को थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है। ऑब्जर्व एंड पालपेट स्किन मॉइस्चर, नंबर 5 पे आपने क्या करना है, स्किन को देखना है, स्किन के ऊपर मॉइस्चर, स्वेटिंग वगैरह तो नहीं है, सीबम कितना है, ये चीज़ें आ जाएंगी, मॉइस्चर लेवल चेक करना है स्किन का। तो नॉर्मली मॉइस्चर इन स्किन फोल्ड्स एंड एक्जिला जो है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे स्किन फोल्ड्स, जहाँ पर हमारी स्किन फोल्ड हो रही है, जैसे हमारे कह लें कि बैली में, जैसे थोड़ा सा फैटी लोग होते हैं तो जब वो बैठते हैं तो बैली में जब पेट के ऊपर बल पड़ जाते हैं, तो वो जो दो बल बने हैं उनके दरमियान में जो एरिया, वहाँ पर स्वेट का हो जाना, मॉइस्चर होना, वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है। या जैसे एक्जिला है वो भी एक स्किन फोल्ड ही बन जाता है ना, तो वहाँ पर स्वेट का होना ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। और ये जो है वो डिपेंड करता है टाइम, हमारे जो है एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर, हमारी अपनी नॉर्मल कंडीशन। और इसमें हमारे जो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेसिव मॉइस्चर, यानी कि आपके टेम्परेचर आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से जितना उसको मॉइस्चर होना चाहिए वो उससे ज़्यादा है, एक्सेसिव मॉइस्चर है, या बिल्कुल एक्सेसिव ड्राइनेस है, तो ये जो है वो एबनॉर्मल में आ जाता है। एक्सेसिव मॉइस्चर की एग्जाम्पल जैसे हाइपरथर्मिया है, बुखार में जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक स्वेटिंग कर रहा होता है बेटा, जो पर्सन है वो ज़्यादा स्वेट कर जाता है। और इसी तरह से एक्सेसिव ड्राइनेस, जैसे डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो ये इंडिकेशंस होती हैं कि पेशेंट के साथ जो है वो कुछ चीज़ एबनॉर्मल चल रही है। नंबर 6 पे हमारे पास आता है पालपेट स्किन टेम्परेचर, कंपेयर 2 feet एंड 2 hands यूजिंग बैक ऑफ योर फिंगर्स। आप जो है वो अपना डॉर्सल जो साइड होती है हैंड की, उसको यूज़ करके पेशेंट जो स्किन है वो पालपेट करते हैं और देखते हैं कि स्किन का टेम्परेचर कितना है, और उसके बाद जो है पालपेट करने के बाद टेम्परेचर फील करने के बाद आप कंपेयर करते हो दोनों साइड्स पर। नॉर्मली क्या होता है टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म होता है, बाइलेटरल होता है, दोनों साइड्स पर सेम होता है और वो नॉर्मल रेंज में होता है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में आ जाते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, हाइपोथर्मिया हो सकता है या फिर हाइपरथर्मिया हो सकता है, और इसके अलावा जो है लोकलाइज्ड, अब ये इसमें भी दो टर्म्स आ जाते हैं हमारे पास, या तो वो जनरलाइज्ड हो सकता है या फिर लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड हाइपरथर्मिया जैसे फीवर में होता है, इसी तरह से जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया होता है जैसे शॉक में, अगर पेशेंट शॉक में है तो वो हाइपोथर्मिया में चला जाता है। इसी तरह से लोकलाइज्ड हाइपरथर्मिया होता है जैसे इन्फेक्शन में, कि किसी एक बॉडी पार्ट में अगर इन्फेक्शन है तो उस बॉडी पार्ट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है लोकलाइज्ड एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में जो है बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है। इसी तरह से लोकलाइज्ड हाइपोथर्मिया जैसे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हो सकता है। नंबर 7 पर आपने क्या करना है, स्किन का टर्गर नोट करना है। स्किन का टर्गर मतलब स्किन की जो इलास्टिसिटी कह लें, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाती है स्किन के टर्गर में। और इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, बाय लिफ्टिंग एंड पिंचिंग द स्किन ऑन एन एक्सट्रैमिटी और ऑन द स्टर्नम। स्टर्नम पर हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है स्टर्नम, या फिर किसी भी एक एक्सट्रैमिटी के ऊपर आप क्या करते हैं, स्किन को थोड़ा सा पिंच करते हैं, ऊपर उठा के फिर उसको छोड़ देते हैं। आप देखते हैं कि वो जो है स्किन अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस जाने में कितना टाइम लेती है, या तो वो फ़ौरन से चली जाती है या फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल पोजिशन पर वापस जाने में। तो नॉर्मली क्या होता है, वेन पिंच्ड स्किन स्प्रिंग्स बैक टू द प्रीवियस स्टेट, मे बी स्लोअर इन ओल्डर एडल्ट्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो इमीजिएटली जो है वो इलास्टिसिटी होती है स्किन में, और वो पिंच होने के बाद फ़ौरन से अपनी नॉर्मल स्टेट में चली जाती है, लेकिन जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है, स्किन का टर्गर कम होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है कि स्किन स्टेज पिंच्ड और टेंटेड और मूव्स बैक स्लोली,
नॉर्मल क्या होता है कि स्किन जो है वो जिस पोजीशन में आपने उसको रखा है, जिस तरह से आपने उसको पिंच किया है, या फिर वो उसी स्टेट में रह जाती है, या फिर वो नॉर्मल स्टेट पर जाने में बहुत टाइम ले लेती है, बिल्कुल स्लोली वो मूव कर रही होती है। जैसे डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स होते हैं तो उनका टर्गर कम हो जाता है। काउंट इन सेकेंड्स हाउ लॉन्ग द स्किन रिमेन्स टेंटेड। और दूसरा जब है जो एबनॉर्मली है, अगर स्किन टेंटेड है, टेंट फॉर्म में रह रही है उसी तरह से पिंच फॉर्म में, तो वो कितनी देर है, आपने सेकेंड्स काउंट करने हैं कि वो नॉर्मल पोजिशन तक जाने में कितना टाइम ले रही है। हमारे पास आ जाता है ब्रेड एंड स्केल फॉर असेसिंग स्किन इंटेग्रिटी। मतलब हमारे जो ब्रेड सोर्स वगैरह होते हैं स्किन की इंटेग्रिटी, और उसकी असेसमेंट के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेड एंड स्केल। द ब्रेड एंड स्केल यूजेज अ स्कोर फ्रॉम लेस देन और इक्वल टू 9 टू एज हाई एज 23। इसका नंबर जो है वो 9 से 23 तक हो सकता है। द लोअर द नंबर द हायर द रिस्क फॉर डेवलपिंग एन एक्वायर्ड अल्सर और इंजरी। यानी कि इसका जो स्कोर है 9 से 23 तक हो सकता है, और जितना ये स्कोर कम होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा उसको अल्सर होने का, ब्रेड सोर होने का, या स्किन इंजरी होने का। देयर आर 6 कैटेगरीज विद इन द ब्रेड एंड स्केल। और इसके 6 कैटेगरीज या फिर 6 हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सेंसरी परसेप्शन देखते हैं हम, मॉइस्चर देखते हैं स्किन पर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन एंड शेयर। ये 6 कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं ब्रेड एंड स्केल के अंदर। अब तक हमने देखा कि ब्रेड एंड स्केल क्या है, स्किन की इंटेग्रिटी को असेस करने के लिए, ब्रेड सोर्स के प्रेशर अल्सर के रिस्क को असेस करने के लिए एक स्केल है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड एंड स्केल। इसमें 9 से 23 तक नंबर्स हो सकते हैं, और जितना ज़्यादा इस पे आपके नंबर्स जितने कम आएंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है। 6 इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शेयर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हमने करना क्या है कि इन 6 कंपोनेंट्स पे हमने देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल परसेप्शन है, तो हम देखेंगे कि वो किन उसकी स्किन पर जो रिसेप्टर्स हैं वो कितने अच्छे से परसीव कर पा रहे हैं, और उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग हम उसको नंबरिंग देते जाएंगे। नंबर 1 पे हमारे पास सेंसरी परसेप्शन है, अगर वो कम्प्लीटली लिमिटेड है, बिल्कुल ही वो परसीव नहीं कर पा रहा, उसको टच जो है वो फील ही नहीं हो रहा, तो उसको हम नंबर 1 देते हैं। अगर वो वेरी लिमिटेड है तो नंबर 2 पर है, स्लाइटली लिमिटेड है नंबर 3 देंगे, और नो इम्पेयरमेंट यानी कि बिल्कुल उसकी जो परसेप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको नंबर 4 देंगे। इस तरह से नंबर हमारे पास जो सेकेंड कैटेगरी थी मॉइस्चर की थी, हम देखते हैं कि अगर स्किन कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट है, हर वक्त जो स्किन है वो गीली रह रही है, तो उसको हम नंबर 1 देते हैं। अगर ऑफन मॉइस्ट है तो हम नंबर 2 देते हैं, ओकेजनली है तो नंबर 3, और रेयरली मॉइस्ट पर हम उसको नंबर 4 देते हैं। इसी तरह से एक्टिविटी आ जाती है, हम देखते हैं कि पेशेंट बेड फास्ट है, बेड रिडन पेशेंट है तो उसको नंबर 1 देते हैं, अगर चेयर फास्ट है तो नंबर 2, स्लाइटली उसके बाद आ जाता है वॉक्स ओकेजनली, कभी कभी चल रहा है तो नंबर 3, और फ्रीक्वेंटली वो वॉक कर रहा है तो उसको नंबर 4 दे देते हैं। उसके बाद आ जाती है मोबिलिटी, कि पेशेंट जो है वो अगर कम्प्लीटली मोबाइल है, बिल्कुल मूवमेंट है ही नहीं, तो हम उसको नंबर 1 देंगे। अगर लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड, तो नंबर 2, स्लाइटली लिमिटेड पर नंबर 3, और कोई लिमिटेशन नहीं है, फुल मोबिलिटी है, एक्टिविटी उसकी फुल रेंज ऑफ मूवमेंट है, तो हम उसको नंबर 4 देंगे। उसके बाद आ जाती है न्यूट्रिशन लेवल, अगर पेशेंट जो है वो न्यूट्रिशन उसकी अच्छी नहीं है, बहुत पुअर है, तो उसको हम नंबर 1 देंगे, और नंबर 2 हम तब देंगे जब उसकी प्रॉबली इनएडिक्वेट होगी, एडिक्वेट पर नंबर 3, और एक्सीलेंट बहुत अच्छी न्यूट्रिशन है तो नंबर 4 देंगे। इसी तरह से फ्रिक्शन एंड शेयर आ जाता है, लास्ट कंपोनेंट है, तो उस पर हम अगर प्रॉब्लम है उसकी तो 1 देंगे, पोटेंशियल प्रॉब्लम है अगर रिस्क है यानी कि प्रॉब्लम का तो नंबर 2 देंगे, कोई अपरेंट प्रॉब्लम नहीं है तो 3 देंगे, और कोई बिल्कुल जो है वो इसका जो फोर्थ कंपोनेंट है वो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से हम ये सारे कंपोनेंट्स को असेस करते हैं, नंबरिंग देते जाते हैं, और लास्ट पर हम ये नंबर्स कैलकुलेट करके एक टोटल बना लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर उसका स्कोर जो है वो 6 से 9 के दरमियान आ रहा है तो उसको सीवियर रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है बेड सोर्स का। अगर उसका जो स्कोर है वो 10 से 12 के दरमियान में आता है तो उसको हाई रिस्क है, 13 टू 14 मॉडरेट रिस्क है, 15 टू 18 माइल्ड रिस्क है, और 19 टू 23 जो है वो कोई रिस्क नहीं है, नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं 19 से 23 तक। तो यहाँ तक था हमारा ब्रेड एंड स्केल, और यहाँ पे हमारी स्किन की जो असेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने सबसे पहले स्किन की बेसिकली थोड़ी सी एनाटॉमी को टच किया, उसके बाद हमने हिस्ट्री क्वेश्चंस देखे, प्रिपरेशन देखी है पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है असेसमेंट के लिए,
फिर जब हमने असेसमेंट स्टार्ट की तो उसमें सबसे पहले हमने स्किन का कलर देखा, उसके बाद उसकी जो है हमने देखा कि कलर जो है वो पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्म कलर है या नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है उसमें। उसके बाद हमने एडिमा की असेसमेंट चेक की है और उसके बाद हमने उसके प्रेशर जो लीजन्स हैं वो देखी हैं। इसके अलावा स्किन का जो है टेम्परेचर आ गया, बेड सोर्स, ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन डिस्कस कर ली हैं। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेल और हेयर के असेसमेंट को स्टडी करेंगे। इस पूरे लेक्चर में, आज के लेक्चर में, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा।